तो जी दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की और बहुत ही गर्व की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। छोड़ो, हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि दक्ष ने ब्लॉग की जो है स्टार्ट नहीं करा, मैंने ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। नहा धो के, घर के सारे काम करके, पूजा करके मैं हो गई फ्री। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, और नाश्ते में आज हम लोग बनाएंगे मैगी। मैगी और बटर, बटर वाली मैगी जो हम लोगों ने वहाँ खाई थी, तो वैसा ही मन कर रहा है खाने का। बट मैं वेजिटेबल वाली नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर में कोई वेजिटेबल है भी नहीं। मैं सिंपल वाली मैगी बनाऊंगी और उसमें बटर डाल के थोड़ा सा वैसी खाएंगे, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। तो जी बस यही सब है, सारे काम निपट चुके हैं। मशीन मैंने चलाई है कपड़े धोने के लिए, और ये लड़का यहाँ पर सुबह सुबह खेलने चले गया था और अभी खेल के आ रहा है। इससे मिलिए आप लोग, देखिए। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ कहो, इधर देख के कहो ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ, खेलने चले गया था सुबह सुबह। अभी मैंने प्रैक्टिस करके एक वीडियो, और मैं फोन तक ये कोई बात होती है ऐसी? हाँ तो है, ऐसे बनेंगे ये ब्लॉगर? कुछ तो करना है नहीं इन्हें, मेहनत और ढिंडोरा पीटते रहता है, मेरा चैनल है। बेवकूफ ना। तो और हमारे घर में छिपकलियों ने इतना उधम मचाया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। किचन में मुझे जाने में डर लग रहा है। रात में पानी लेने गई तो एक छिपकली किचन के स्लिप में घूम रही थी। सुबह सुबह एक छिपकली ने मुझे हाथ से डराया है, उसके बाद एक छिपकली ने मुझे हाथ से डराया। क्यों हो रही है इतनी छिपकली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे रहो तो आराम से रहो, दूसरे को तो मत डराओ जो इंसान तुमसे इतना ज्यादा डरता है। भाई हद है, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन ऐसी छिपकलियों से। अभी मैं जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ मैगी। ज्यादा नहीं बनाऊंगी, दो पैकेट बनाऊंगी बस थोड़ा सा, और फिर दोपहर के खाने का जो भी होगा देख लेंगे। होप्स हो कि आज लाइट रहे तो मैं मैच देख पाऊंगी दोपहर का। सैटरडे और संडे दो मैच आते हैं क्योंकि, और ये मेरी स्किन है देखिए, जो मैंने कल प्रोडक्ट वाला वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, कल कह रही हूँ एक दिन पहले, तो ये उसके बाद मैंने देखिए सारा स्किन जो अपने स्किन में लगाया है सारे प्रोडक्ट्स, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दिख रहा होगा आप लोगों को शाइनी। थोड़ी देर में ऑब्जर्व कर लेगा पूरे फेस में तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस बनाते हैं मैगी। तो जी मित्रों, मैं इस वाले रूम में लेटी थी और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी, वो टॉप मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था इसीलिए, और इस रूम में लेट के मैं कर रही थी व्लॉग की एडिटिंग, मतलब व्लॉग में वॉइस इफेक्ट दे रही थी। तो इसीलिए मैं इस वाले रूम में दरवाजा वरवाजा बंद करके लेटती हूँ, क्योंकि उधर जो है दक्ष देख रहा है टीवी, तो मुझे आवाज़ ना आए और उसको भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं वो कर रही थी। वो मेरा कम्प्लीट हो चुका है। ये बच्चा देखिए बिस्कुट पानी में डुबो के खा रहा है, ये देखो क्या बढ़िया। खाना खाने के बाद भी इनके ये हाल है। और अभी बज चुके हैं दोपहर के तीन, मैच आने वाला है। मैं पीऊंगी थोड़ा सा एक जूस, ये पीऊंगी या कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, देखती हूँ क्या पीती हूँ। जूस पीती हूँ फिलहाल, तो मैं जूस के लिए ग्लास निकाल लेते हैं। और आज यहाँ पर है इतने सारे बर्तन जमा जो कि मैं धोऊंगी, क्योंकि आज मैं ना फ़ोन में बहुत ज़्यादा ही लगी थी, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, इसलिए लगी हुई थी फ़ोन में, मतलब कि व्लॉग की एडिटिंग अपलोडिंग और बहुत कुछ होता है वो सब करने में लगी थी। तो वो मैंने गिलास निकाल लिए हैं, इसमें डालते हैं जूस और जूस पीते हैं हम दोनों जने। हेल्प करने के लिए तो आता नहीं है, जूस पीने के लिए बड़ा आ गया यहाँ पे। कैसा हो रहा है पतंजलि का ये? बहुत बढ़िया रहा। मैं तो अंदर ही चलती हूँ, मुझे अभी एक वीडियो अपलोड करना है, और तो मैं उसी में लगती हूँ थोड़ी आधा घंटा अभी मैच शुरू होने में, उसके बाद देखूंगी मैच आराम से। तब तक जूस पी लेते हैं थोड़ा सा, गर्मी इतनी हो रही है कि क्या ही बताया जाए। पूजा पाठ तो मैंने कर दी है, मैं खा रही हूँ केला, एक केला बचा है जो हम लोग लेके आए थे उस टाइम, क्योंकि ख़राब हो रहा था, मैंने कहा खा लेती हूँ। ये कौन है बाहर? दख अभी तक आया नहीं है खेल के, और बस आने वाला होगा। खाने पीने की तैयारी थोड़ा बहुत हो चुकी है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो सुबह के लिए तो है आलू, सूखे आलू बनेंगे। अभी क्या बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं सो रही थी दक्ष आएगा तो हम लोग बाहर को जाते, बट मेरे सोचने से क्या होता है, जो ये चाहता है वो होता है ना। मेरा सोचा होगा कभी होता नहीं है, बट देखूंगी अभी आएगा तो इसका कुछ एक्टिविटी का सामान लेने के लिए भी जाना है बाहर, तो देखते हैं होता क्या है। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो स्कूल में कल मार खाएगा, मेरा क्या जा रहा है ना दोस्तों। मैं क्या करूँ, मैंने तो बोला नहीं चलेगा तो उसकी मर्जी है। बाकी अब टीवी ऑन करके मैच देखते हैं। काम जो है मैंने थोड़ा थोड़ा अपने निपटा दिए हैं। देखो काम तो ऐसा है, काम चलते रहते हैं। पहले भी मैंने सोचा था मैं दिन में मैच देखूंगी, बट उस टाइम मेरा कॉल वॉल आ गया, मैं ऐसे ही बिजी रह गई। तो अभी तो मैं देखूंगी ही देखूंगी, चाहे जो हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए।
दूध पीने का बहुत मन कर रहा है मेरा। ऊपर से मार्जिन दे दो और मिक्स का डिब्बा दे दे, चीनी का डिब्बा दे दे वहाँ से। हाँ, और मम्मी इसके साथ कुछ खाने के लिए है? खाने के लिए बिस्कुट तो तूने सुबह ही खा लिया। हाँ है, बिस्कुट तो तूने रखा नहीं बिल्कुल भी। वो है ब्रेड, है ब्रेड। हाँ वो दे दो, उसमें भी बहुत मजा आता है। और आज कहाँ गया था तू खेलने के लिए? मैं वहीं पर जहाँ खेलता हूँ रोज में। अब हम बताओ, छुपन छुपाई खेले थे ना, तो मैं बता क्या करता, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो देख ही नहीं पा रहे थे एकदम, मैं एकदम ऊपर चढ़ गया था ना, देख मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे वो, मैं लास्ट में पकड़ा गया एकदम। वो ऐसे करके देख रहा, दक्ष आइस पाइस ऐसे करके। मेरा कब से मोमोज खाने का मन हो रहा है, मैं सोच रही थी तो मोमोज घर में रहता टाइम से। मंगाए नहीं, वहीं जाके फ्राइड वाले मोमो खाने का मन हो रहा है। जाए फिर अभी? अभी नहीं जाना, बहुत लेट। अभी पैक करके ले आएंगे जल्दी से, रात के खाने के लिए भी वही हो जाएगा। भारत में खाने के लिए मोमो खा, रोटी खाएगा। मेरे पैर बहुत साफ हो रहे हैं आज, क्योंकि मैं जूते पहन के गया था, वरना बहुत गंदे होते। चप्पल लेने भी जाना था, अभी हम ऑनलाइन में देखूंगी चप्पल, तो उसमें से पसंद करके मुझे बताना, ठीक है ना? अभी चले जाएं फिर? अभी नहीं जाना बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थक गई हूँ पता नहीं क्यों। बीच में नवरात्रों के पूरे व्रत रखे थे ना, उस टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं, अब ना थकान हो रही है, मतलब पता नहीं क्यों कोई भी काम करने में। बल्कि मैं कल गई थी, मुझे दवाई भी लेके आनी थी, मैं सोच रही थी लेके आऊंगी घर के, बट मैं वो भी लेके नहीं आई अपने लिए। क्यों? तेरी बुक्स लेके और नर्सरी से कुछ फूल लेके आ गई थी, ध्यान नहीं रहा, घर जाने की जल्दी होती, घर जाते तो कहते रहो, थकावट हो रही है पता नहीं क्यों। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कितना काम किया, वैसे तो मैंने काम किया है, फूलों में पानी डाला, बाहर भी बाल्टी से, टंकी के अंदर से बाल्टी से पानी निकाल निकाल के डाला, क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा है पाइप लगाने के लिए। एक बार होता क्या हुआ था, जब आपके व्रत, जब आपको मतलब बुखार जैसा आया था ना, तब मैं रोज पानी डाला था ना, तो क्या हुआ, एक बार आप टंकी भर गई थी, तो टंकी से वहां से पानी भगने लग गया था, वहां नीचे आया था जहाँ फूल होती है, मैंने वहां बाल्टी लगा दी मोटर बंद करके, वहां बाल्टी में भरते आया था, मैं डालते आया था, बाल्टी फिर भी फुल थी जब मेरा डालना खत्म हुआ। वो सबसे ज्यादा मजा है उसमें, सबसे ज्यादा फायदा होगा उसमें। और अभी IPL भी चल रहा है, 3:30 बजे का अभी भी चल रहा है अभी तक। मैं भी पढ़ाई करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा। तो जी दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की और बहुत ही गर्व की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे ये बात मुझे आप लोगों के जरिए ही पता चली है, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये बात बताई है कि आज किसी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्ज़ाम था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था जो पप्पू कार्की जी से रिलेटेड था, कि पप्पू कार्की जी कला क्षेत्र में किससे संबंधित हैं, किससे संबोधित किए जाते हैं। उसमें ऑप्शन भी आए थे संगीत, नृत्य, वादन और या मूर्तिकला, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। मुझे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने कमेंट किया, पहले तो मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के सामने जाहिर करूं, और मुझे बहुत खुशी है कि उनके ना रहने के बाद भी उनके बारे में इस तरीके से हमारी जो उत्तराखंड सरकार है या जो भी लोग हैं इस तरीके से उनको याद कर रहे हैं, उनका नाम इस तरीके से आ रहा है, तो बहुत गर्व की बात ये होती है। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि अभी वो नहीं है तो भी आप लोग उनको इतना याद और इतना प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो मायने रखती है, जो मैंने ज़िंदगी में अपने कमाई है और उन्होंने भी कमाई है, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा सहारा है कि मैं अपना जीवन जीऊँ, और बहुत खुशी की बात है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन भाई बहनों का धन्यवाद भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज करके ये बात और कमेंट के जरिए ये बातें बताई। तो इससे पता चलता है कि आप उनके प्रशंसक हैं जो उनके बारे में हर एक अच्छी और बुरी बात जानते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये खुशी मैं आप लोगों के साथ जाहिर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और अब इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ चुका है, हमने खाना खा लिया है, सोने का टाइम है, तो इसी धन्यवाद के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, जल्दी एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।